भारत पर हमला यानी रूस पर हमला, ये वो बयान है जिसने चीन पाक समेत दुनिया के कई बड़े देशों के होश उड़ा दिए। साल 1971 में एक समझौता चीन और अमेरिका के साथ पाकिस्तान के बढ़ते रिश्तों को देखते हुए किया गया। इस समझौते में रूस ने पूरी दुनिया के सामने इस बात पर मुहर लगा दी कि अगर किसी ने भी भारत के खिलाफ किसी हमले की साजिश रची तो रूस उसे अपने ऊपर हमला मानते हुए उसका जवाब देगा। दरअसल जब हथियारों समेत सभी जरूरी चीजों को लेकर भारत अमेरिका और पश्चिमी देशों पर निर्भर था, तो ऐसे में रूस के साथ अचानक गहराती दोस्ती भारत के लिए उसके गुट निरपेक्ष नीति में एक बड़ा शिफ्ट था। दोनों देशों के बीच हुए इस समझौते को इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। इस करार का फायदा भारत को पाकिस्तान के साथ उस युद्ध में भी मिला जिसमें भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के दो टुकड़े करते हुए बांग्लादेश का निर्माण कर दिया। हालांकि भारत और रूस के बीच इस गहरे संबंध की नींव उस समझौते से दो दशक पहले यानी 1955 में ही रखी जा चुकी थी। 1955 इतिहास का वो साल था जब भारत और रूस के ठंडे रिश्तों में थोड़ी गर्माहट आनी शुरू हो गई। जून 1955 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सोवियत संघ की यात्रा पर गए और उसी साल के अंत में रूस के सर्वोच्च नेता निकिता खुर्शीश भारत की यात्रा पर आए। इस यात्रा के बाद खुर्शीश ने घोषणा की थी कि सोवियत संघ कश्मीर के विवादित क्षेत्र और गोवा पर पुर्तगाल के कब्जे को लेकर भारत के स्टैंड का समर्थन करता है। यानी ये शुरुआत दुनिया की उस दोस्ती की थी जिसकी मिसाल आने वाले कई पीढ़ियों तक दी जानी थी। हालांकि इससे पहले 1959 के सीमा विवाद और अक्टूबर 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भी रूस ने अपनी तटस्थता की घोषणा की। चूंकि रूस और चीन के बीच रिश्ते भारत से भी पुराने थे, ऐसे में रूस का ये भारत प्रेम चीन से नहीं देखा गया और चीनियों ने इसका कड़ा विरोध किया। लेकिन रूस पर ना ही इसका कोई प्रभाव पड़ा और ना ही रूस ने चीन हो या फिर दुनिया का कोई देश जो इस दोस्ती में अड़ंगा लगा रहा हो उसको भाव दिया। आपको बताएं तो रूस का भारत को लेकर यह स्टैंड चीन और रूस के बीच एक बड़े विवाद का मुद्दा भी बन गया था। 1962 में रूस ने भारत के साथ अपने सबसे आधुनिक विमान MiG-21 की टेक्नोलॉजी भी साझा की थी। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जब इस विमान की तकनीक चीन के द्वारा रूस से मांगी गई थी तो रूस ने साफ शब्दों में इसे देने से इनकार कर दिया। रूस यूक्रेन जंग को लेकर आज जो भारत का स्टैंड है वो क्यों है, अब वो समझना शायद मुश्किल नहीं है। बता दें कि इस वक्त भारतीय सेना जिन हथियारों का इस्तेमाल करती है उनमें से 85% से ज्यादा ऐसे हथियार हैं जो या तो रूस में बने हैं या फिर उसमें रूसी तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। भारत को पहली पनडुब्बी रूस से ही मिली थी और आज भारतीय नौसेना जिन पनडुब्बियों का इस्तेमाल करती है उनमें से आधी से ज्यादा रूसी मूल की है। बहरहाल हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।